बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारे पास नेटवर्क लेयर की और ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनलिटीज क्या है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। तो नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रॉम सोर्स टू डिस्टिनेशन डिलीवरी, और इसको एंड टू एंड डिलीवरी भी कहते हैं। कि जो हमारे पास सेंडर है, दरमियान में जितने भी नोड्स है और रिसीवर तक, ठीक है, ये डेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की। और इस पे से जो यूज़ होता है वो होता है लॉजिकल एड्रेसिंग, जो कि हमारे पास है आईपी एड्रेसेस, इसको हम आईपी एड्रेसेस भी कहते हैं। आईपी एड्रेसेस में आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 हमारे पास क्या होता है, देश ये होता है 32 बिट एड्रेस, कितने बिट का होता है, 32 बिट। और वर्जन 6 हमारे पास कितने बिट का होता है, वर्जन 6 होता है, ये हमारे पास होता है 128 बिट्स। आईपी वर्जन 6 का जो एड्रेस है वो आईपी वर्जन 6 का एड्रेस होता है वो 128 बिट्स होता है। इसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। नेटवर्क लेयर इस पे जो काम करते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं राउटर। और राउटर किस लिए यूज होता है, इट कम्युनिकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, मुख्तलिफ नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए राउटर यूज होता है। डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास क्या होता है, स्विचेस यूज होते हैं, स्विच। ठीक है, तो स्विच लेयर 2 डिवाइस है, राउटर लेयर 3 डिवाइस या नेटवर्क लेयर का जो डिवाइस है। तो लॉजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर, इस पे लॉजिकल एड्रेसिंग यूज होती है, आईपी एड्रेसिंग यूज होती है। तो वर्जन 4 की हमने बात की है 32 बिट होता है, वर्जन 6 की हमने बात की कि ये 128 बिट होता है। हम आईपी वर्जन 4 को लेके जो है आगे जाएंगे, वर्जन 6 को हम फोकस नहीं करेंगे। 32 बिट इसमें से ये 4 ऑक्टेट पे मुश्तमिल होता है, हर जो डॉट के बाद जो होता है वो कितने बिट का होता है, वो 8 बिट का होता है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एड्रेस है 192.168.0.0, से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नेटवर्क आईडी है। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है ये अलहदा से 8 बिट, ये भी अलहदा से 8 बिट, ये भी 8 बिट और ये भी 8 बिट, तो ये टोटल 32 बिट्स बन गए। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में सबनेटिंग में जाके पढ़ेंगे कि ये कौन से क्लास का है। ठीक है, इसमें सबनेटिंग हुई है नहीं हुई, सबनेट मास्क क्या है, नेटवर्क एड्रेस क्या है, होस्ट एड्रेस क्या है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन नेटवर्क लेयर जो है इस पे लॉजिकल एड्रेसिंग यूज होती है, इट डजंट अंडरस्टैंड द फिजिकल एड्रेसेस आर द मैक एड्रेसेस। राउटर जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है, फिजिकल एड्रेस को अंडरस्टैंड नहीं करता। इस पे जो नेटवर्क लेयर पे दो तरह के जो प्रोटोकॉल्स है वो यूज होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। एक हमारे पास है राउटेड प्रोटोकॉल्स और दूसरे को हम कहते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटेड प्रोटोकॉल्स वो क्या होते हैं, दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जितने भी नोड्स है हर नोड को एक आईपी असाइन होता है, उस आईपी को आईपी एंड आईपीएक्स, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन की जो एड्रेस है उसको हम कहते हैं रूटेड प्रोटोकॉल्स। कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, के जो हमारे पास नोड्स है हर नोड को जो आईपी असाइन हो चुकी होती है उसको हम कहते हैं रूटेड प्रोटोकॉल्स। मीन्स ये आपको रूट प्रोवाइड करेगा कि कौन से हर रूट में जो आपके पास पॉइंट्स है कौन कौन से लॉजिकल पॉइंट्स है। ठीक है, तो वो हमारे पास है रूटेड प्रोटोकॉल। और राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक्चुअली राउटर्स इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स की बेस पे डिसीजन करता है कि कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करना है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स इट रन्स ओवर द राउटर, या राउटर के ऊपर जो है वो चलते हैं कि कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करें। ठीक है, तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि हमारे पास रेप हो गए, हो गया आईजीआरपी, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूटेड प्रोटोकॉल्स एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क लेयर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा की सही सलामत पहुँचना। ठीक है, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, कंजेशन उसमें से है कि नहीं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स वो हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स में जाके इसको हम जब हम कन्फिगर करेंगे तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो किस पैरामीटर को या किस मेट्रिक को फॉलो करता है।
उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास है डेस्टिनेशन। हमने याहू से, जीमेल से या हॉटमेल से जो है वो डेटा हमने रिक्वेस्ट की, वो अब हमारे पास जो डेटा है वो रिसीवर सिस्टम पे जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस के लिए है, कंप्यूटर किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करता है कि ये मैंने याहू की जो विंडो है उस पर ओपन करनी है, जो आपके फेसबुक का डेटा है वो आपके फेसबुक के डेटा में ओपन हो जा रहा है, फेसबुक के विंडो में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन करता है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। कि याहू का डेटा आपको याहू के विंडो में शो होगा, जो फेसबुक का डेटा है वो आपको फेसबुक के विंडो में जो है, जो विंडो आपने ओपन की है वो आपको शो होगा, जीमेल का जो डेटा है वो जीमेल के विंडो में आपको शो होगा। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें से हमारे पास है पोर्ट एड्रेसिंग, जो कि किस तरह से ये प्रोसेस को अंडरस्टैंड करता है। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग है, हर एक को कुछ तो हमारे पास होते हैं पोर्ट एड्रेसेस, जिसको हम फिजिकल पोर्ट्स कहते हैं वो भी है। और एक हमारे पास है लॉजिकल एड्रेस पोर्ट। लॉजिकल पोर्ट ये है कि हर जो जो भी सर्विस है उसको एक लॉजिकल आईडी असाइन हो चुकी होती है, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल पोर्ट। ठीक है, तो वो लॉजिकल पोर्ट के थ्रू या लॉजिकल पोर्ट एड्रेसेस के थ्रू वो अंडरस्टैंड करता है कि ये याहू के लिए है, ये डेटा जीमेल के लिए है, या ये डेटा किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये हमारे पास है पोर्ट एड्रेसिंग, के पोर्ट एड्रेसेस हमारे पास है क्या। तो लॉजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल पोर्ट्स एड्रेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है सेगमेंटेशन का। हमने ऑलरेडी बात की कि इस लेयर पे हम मैसेज को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, ये इस लेयर पे हम इसको कहते हैं सेगमेंट। नेटवर्क लेयर पे हमारे पास क्या है, नेटवर्क लेयर पे हम इसको कहते हैं पैकेट। ये हमने ऑलरेडी बात की, होप आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे हम इसको पैकेट कहते हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम इसको क्या कहते हैं, हम इस डेटा को कहते हैं कि ये हमारे पास सेगमेंट है, सेगमेंट। तो ये सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, ठीक है, ये भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर की फंक्शनलिटी है। और रीअसेंबली मतलब कि जिन सेगमेंट्स को कंबाइन करके जो हमारे पास मैसेज बनता है रिसीविंग साइड पे, ठीक है, तो इस ये है, इसको हम कहते हैं रीअसेंबली। इस पे जो प्रोटोकॉल हमारे पास यूज होते हैं उसको हम कहते हैं TCP एंड UDP। ठीक है, ये एक हमारे पास है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और एक हमारे पास है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP दिस इज द रिलायबल प्रोटोकॉल एंड UDP दिस इज द अनरिलायबल प्रोटोकॉल। ये रिलायबल क्यों है, रिलायबिलिटी ऑन विच यू कैन ट्रस्ट, जिस पे से आप एतबार कर सकते हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी वगैरह के लिहाज से। और UDP जो है ये अनसिक्योर है, अनरिलायबल है, इस पे आप रिलायबिलिटी नहीं कर सकते। ठीक है, रिलायबल नहीं है। तो TCP किस वजह से रिलायबल है, क्योंकि ये हमारे पास कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और विंडोविंग का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो कर रहा है, विंडोविंग का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसको फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि TCP इज रिलायबल व्हाइल UDP इज नॉट रिलायबल। कनेक्शन कंट्रोल क्या है, हमारे पास दो तरह के, एक को हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरे को हम कहते हैं कनेक्शन लेस। तो TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड व्हाइल UDP इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है कि सबसे पहले जब जो आपके पास प्रोसेस टू प्रोसेस है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये थ्री वे हैंड शेकिंग करेगा। क्या करेगा, थ्री वे हैंड शेकिंग। सबसे पहले ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा सेंडर, सेंडर एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैंने जो है आपके साथ कनेक्शन बनानी है। तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर उसके अगेंस्ट एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज देगा,
जो आपने रिक्वेस्ट भेज दिया है वो मुझे कबूल है, और अपनी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करके सेंडर को दोबारा से भेज देगा। सेंडर एट द एंड पे क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि जो आपने रिक्वेस्ट किया है मुझे वो कबूल है। तो इसमें से ये तीन मैसेजेस पास हो रहे हैं, इस वजह से इसको कहते हैं थ्री वे हैंड शेकिंग। बिफोर मेकिंग द कनेक्शन, कनेक्शन बनने से पहले ये तीन मैसेजेस पास हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं थ्री वे हैंड शेकिंग। तो TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है जबकि UDP कनेक्शन लेस है। एक इसमें से कनेक्शन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आ गया। दो, दूसरा हमारे पास है फ्लो कंट्रोल। तो सबसे पहले हमारे हम पढ़ लेते हैं विंडोइंग का कॉन्सेप्ट। सेंडर की भी अपनी एक विंडो होती है, ठीक है, जिसमें से वो मैसेज जो है वो बफर में स्टोर हुई होती है और उससे जो है वो सेंड करता रहता है। इसी तरह रिसीवर की भी अपनी एक विंडो है, ठीक है। तो जब ये विंडो फुल हो जाता है तो रिसीवर क्या करता है, सेंडर को एक मैसेज स्टॉप का मैसेज भेज देता है कि अभी मेरी जो विंडो है वो फुल हो गई है, काइंडली आप मैसेज जो है फर्दर मैसेजेस ना भेजें, ठीक है। क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों एक तरह की स्पीड पे जो है प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, मतलब दोनों की स्पीड ज़रूरी नहीं कि एक जैसे हो। एक सिस्टम जो है वो ज़्यादा कम टाइम में प्रोसेसिंग करेगा जबकि दूसरा जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा। जिस तरह के हमारे पास पेंटियम वन सिस्टम है, दूसरा दूसरे साइड में पेंटियम कोर i7 सिस्टम लगा हुआ है, तो कोर i7 जो है वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू पेंटियम वन या पेंटियम टू पेंटियम के प्रोसेसर से, ठीक है। तो जो फास्टली प्रोसेसिंग करता है वो जल्दी जल्दी मैसेजेस भेज देता है, जबकि जो रिसीविंग साइड पे है वो क्या करता है, वो प्रोसेसिंग इतना जल्दी नहीं करता, तो वो स्टॉप मैसेज भेज देता है कि आगे मैसेजेस मत भेजो, ठीक है। तो वो स्टॉप कर जाता है, सेंडर आगे मैसेजेस नहीं भेजता। तो इसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है नेटवर्क में, जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो डिपेंड करती है आपके लोवेस्ट सिस्टम पे कि कौन सा सिस्टम सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है, उसके स्पीड में सारे सिस्टम चल रहे हैं। तो ये हमारे पास फ्लो कंट्रोल हो गया। विंडोविंग मीन्स के हर सिस्टम की अपनी एक वर्किंग मेमोरी होती है, विंडोविंग होती है, ठीक है। उससे अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है, वो पुअर बर्डन हो जाता है। कुछ मैसेजेस वो आगे फॉरवर्ड करते हैं कि स्टॉप, या अगेन उसको एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि जितने मैसेज आपने भेज दिए हैं वो मुझे मिल गए, ठीक है। एक हमारे पास है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या है, ये जो मैसेजेस से फॉर एग्जांपल एक मैसेज भेज दिया है मैसेज वन, ठीक है, तो अगेन उसकी जो रिप्लाई आती है एक्नॉलेजमेंट वन, ये जो मैसेज आपने मैसेज वन भेज दिया है वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से एक मैसेज उसका जाता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, तो ये कुछ बोरिंग प्रोसेस। विंडोविंग में क्या है कि आपने पांच मैसेजेस भेज दिए, अगर पांचों के पांचों सही उसको मिल जाते हैं तो वो भेज देते हैं एक्नॉलेजमेंट फाइल कि आपके जितने भी मैसेज मिले हैं वो मुझे सही सलामत मिले हैं, आगे अगर आपने फॉरवर्ड करनी है तो ठीक है आप फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। ये हमने विंडोविंग के कंसेप्ट से सब चीज़ें समझ आ जाती है कि एरर कंट्रोल क्या है, फ्लो कंट्रोल क्या है, कनेक्शन कंट्रोल क्या है, ठीक है। और ये कुछ फंक्शनलिटीज थी कि नेटवर्क लेयर इस ये आईपी एड्रेसेस को और राउटर्स इस पे काम कर रहे होते हैं। TCP ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, ये रिलायबल है, UDP अनरिलायबल है। तो जहाँ आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ आपको कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, आप TCP यूज़ करें, रिलायबिलिटी की ज़रूरत हो तो TCP यूज़ होता है, अगर रिलायबल ना हो तो फिर UDP। लेकिन UDP में क्या है कि उसमें से क्वालिटी, अगर आपके कुछ जो सेगमेंट्स हैं या फ्रेम्स हैं या पैकेट्स जो है वो लास्ट हो जाते हैं तो क्वालिटी पे इफेक्ट होता है, ठीक है। इन TCP हर जो आपका मैसेज है वो सही सलामत पहुंचना चाहिए। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, तो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल, ठीक है, और एक्सेस कंट्रोल, ये तीनों जो है ये एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये लेयर टू पे भी और यूज़ हो रहे हैं और लेयर फोर पे भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इधर तक मेरे ख्याल में काफ़ी है, फिर आगे जाके इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे और जो लेयर्स रहते हैं उनकी फंक्शनलिटीज हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह।